चौथे दिन पहले गेंदबाजी करते हुए 100 रनों पर ही झटक लिए थे अंग्रेजों ने पहले 4 विकेट, लेकिन फिर जैक क्रॉली और बेन स्टॉक्स के बल्लेबाजी से बुरी तरीके से मुश्किल में पहुंच चुका था भारत। लगने लगा आज भी होगी भारत की शर्मनाक हार, परंतु फिर रोहित शर्मा के एक DRS के फैसले और श्रेयस अय्यर के जादुई थ्रो ने पलट डाला पूरा मैच और हारे हुए मैच में टीम इंडिया को दिला दी एक ऐतिहासिक जीत, जिसे देखकर इंग्लैंड का पूरा खेमा भी आंसू बहाने को मजबूर हो गया। जी हां, हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट और कैसे टीम इंडिया ने अंग्रेजों से लिया बेरहमी से बदला। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह, यशस्वी गिल और अश्विन में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान पर इंडिया इंग्लैंड के बीच 5 मैचों के टेस्ट सीरीज का अब तक का सबसे रोमांचक और सांसों को थमा देने वाला दूसरा टेस्ट मैच खेला गया, जिसके रोमांच चौथे दिन तक पहुंचा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने यशस्वी जायसवाल के आतिशी दोहरे शतक की बदौलत 396 रन बनाए, तो जवाब में बुमराह ने 6 विकेटों की बदौलत इंग्लैंड को केवल 253 रनों पर समेट दिया। तीसरी पारी में जब टीम इंडिया उतरी तो इस बार शुभमन गिल का बल्ला गरजा, उन्होंने तूफानी एक शतक ठोका और टीम इंडिया को 255 रनों तक पहुंचाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरी पारी में कुल 398 रनों की लीड अंग्रेजों पर बनाकर उन्हें 399 रनों का लक्ष्य सौंपा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों ने 14 ओवर खेलकर अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां जैक क्रॉली 50 गेंद पर 29 रन बनाकर नाबाद थे तो रेहान अहमद 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बेस बॉल का अंदाज दिखाते हुए अपनी जीत के इरादे तो साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़ी थी कप्तान रोहित की पलटन, जिन्हें जल्द से जल्द 9 विकेट चाहिए थे। पहले ही ओवर में रोहित ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को गेंदबाजी सौंपी। आते उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पहला ओवर मिडन निकाल दिया। हालांकि सबसे बुरी खबर तो ये थी कि टीम इंडिया को शुरुआत में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। बुमराह और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब चकाया, खूब परेशान किया, लेकिन ये दोनों विकेट गिरने देने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि जहाँ क्रॉली ने बुमराह को शानदार चौका लगाकर चौथे दिन की सुबह आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, तो नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे रेहान अहमद ने तो अक्षर पटेल के खिलाफ 18वें ओवर की पहली 2 गेंद पर ही मैदान के 2 कोनों पर 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर रोहित शर्मा और टीम इंडिया की चिंता को बढ़ा दिया था। भारतीय टीम ने 6 ओवर फेंक दिए थे, लेकिन कोई भी सफलता टीम इंडिया को नहीं मिल पाई थी। 20 ओवर में इंग्लैंड ने 83 रन बना डाले थे। ऐसा लग रहा था इंग्लैंड आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही है। इन्होंने अपने तूफानी बल्लेबाजी से मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था, जहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। 21वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर क्रॉली ने बुमराह का स्वागत विकेट के बिल्कुल पीछे चौके से कर दिया था। रोहित के पसीने छूट चुके थे, उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं कर पा रही थी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी। यहां तक कि 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित के हाथों से एक बेहतरीन मौका निकल गया। वो स्लिप में खड़े थे, हालांकि कैच मुश्किल था, लेकिन रोहित के लेवल के हिसाब से कैच होना चाहिए था। इसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में और भी ज्यादा मायूसी छा गई, लेकिन 5वीं ही गेंद पर अक्षर पटेल ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया। अक्षर ने अपनी जादुई फिरकी से अहमद को LBW किया, एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई और टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता हासिल हो गई थी। जहां रेहान अहमद 23 रन बनाकर वापस लौटे, उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालते इंग्लैंड के लिए पहले टेस्ट मैच के हीरो ओली पॉप आ चुके थे। आते ही उन्होंने पहली गेंद पर बेहतरीन मौके से अपना खाता खोला और 22 ओवर में अपनी टीम को 99 रनों तक पहुंचा दिया। जहां इंग्लैंड को अपनी जीत के लिए केवल 300 रनों की तत्काल थी, इन दोनों ने एक बार फिर डटकर अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ क्रॉली खतरनाक अंदाज में तो नजर आ ही रहे थे, तो वहीं पॉप ने भी आते ही सीधा चौके से गिल करनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था इन दोनों को बल्लेबाजी में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब रोहित शर्मा ने एक छोर से अपने तुरुप के इक्के अश्विन को गेंदबाजी में उतार दिया था, लेकिन उसका भी शुरुआत में कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैक क्रॉली ने अक्षर पटेल के खिलाफ गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 83 गेंद पर ठोक दिया था। इसी ओवर में स्ट्राइक पर उतरे लॉलीपॉप ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर मैदान में तहलका मचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में
13 रन बटोर डाले, जहां इंग्लैंड के बेस बॉल के आगे टीम इंडिया की हालत खराब नजर आ रही थी। 28 ओवर में इंग्लैंड ने 132 रन बना लिए थे। ये टीम अब लक्ष्य से केवल 267 रन दूर रह गई, तो साफ तौर पर दिख रहा था कि भारतीय टीम के हाथों से यह मुकाबला निकलता जा रहा है। इंग्लैंड ने अब जीत का ऐलान कर दिया था, लेकिन तभी होता है एक बहुत बड़ा चमत्कार। पारी का 29वां ओवर लेकर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, और एक बार फिर वो टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने। अपनी दूसरी ही गेंद पर अश्विन ने अपने फिरकी का ऐसा माया जाल बुना जिसके सामने पॉप अपने घुटने टेक गए। यह गेंदबाज को समझ पाता उससे पहले गेंद ने पॉप के बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया, और स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने एक आसान सा कैच लपका और टीम इंडिया को एक सबसे बड़ी सफलता हासिल हो गई थी। जहां अश्विन ने ऑली पॉप को अपने जाल में फंसाया, ये बल्लेबाज 21 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटा, और टीम इंडिया ने 132 बनाकर खेल रही इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में बल्लेबाजी करने जरूर आ चुके थे। दोस्तों, इंग्लैंड ने 30 ओवर में 3 विकेट के नुकसान के साथ 149 रन बना लिए। उनको जीत के लिए 250 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारत की कातिलाना गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की पारी दोस्त के बाद मानो लुढ़कने ही लगी थी। इंग्लैंड का 4th विकेट जल्द गिर गया। जो रूट आउट होकर पवेलियन लौटे, उन्हें रविचंद्रन अश्विन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बैरिस्टर उनका साथ निभाने आए थे। दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी हो गई। इंग्लैंड वापसी करने लगी थी, तभी इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। अच्छी बैटिंग कर रहे जैक क्रॉली पवेलियन लौट गए, उन्हें कुलदीप यादव ने चलता किया। क्रॉली ने 132 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन बनाए। उनके रूप में इंग्लैंड को 5वां झटका लगा। उनके आउट होने के बाद बेन स्टॉक्स बैटिंग करने पहुंचे, लेकिन गरीबी में आटा गीला, स्कोर में 1 रन भी नहीं जुड़ा था कि जॉनी बेरस्टो 36 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए। बेरस्टो को जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाया, वो LBW आउट हुए। उनके विकेट के बाद अब लंच ब्रेक लिया गया। इंग्लैंड ने लंच ब्रेक तक 42.4 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 194 रन बनाए। उनको जीत के लिए 205 रनों की जरूरत थी। लंच ब्रेक के बाद मुकाबले की फिर से शुरुआत हो गई है। इंग्लैंड के लिए बेन स्टॉक्स और बेन फॉक्स बैटिंग करने मैदान पर पहुंच गए। देखते ही देखते उनकी बल्लेबाजी से इंग्लैंड का दूसरा पारी में स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। बेन स्टॉक्स अपनी टीम की आखिरी उम्मीद है। तभी कुछ ऐसा हुआ कि टीम इंडिया इस मुकाबले की चैंपियन घोषित हो गई। श्रेयस अय्यर ने अपनी जबरदस्त थ्रो से बेन स्टॉक्स को रन आउट कर टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिख दी। जहां कप्तान केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड भारत के सामने घुटने टेक गई। हालांकि उसके बाद उनके बाकी बल्लेबाजों ने बहुत प्रयास किया अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। बेन फॉक्स और हार्टले ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते 40 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली थी। ऐसा लगा था कि मुकाबला पलटने लगा है, इंग्लैंड मैच में वापसी करने लगी थी। हालांकि भारत को सफलता के लिए ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने बेन फॉक्स टॉम हार्टले की साझेदारी को तोड़ा। कुछ ओवर बाद मुकेश कुमार ने पदार्पण कर रहे शोएब बशीर को आउट कर पारी का पहला विकेट हासिल किया। फिर ये बुमराह थे जिन्होंने इंग्लैंड को अंतिम झटका दिया और भारत को 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर करने में मदद की, और टीम इंडिया ने इंग्लैंड से बदला लेते हुए आसानी से टेस्ट सीरीज 4 दिनों में ही बराबरी पर लाकर खड़ी कर दी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या ये टेस्ट सीरीज 4-1 से अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 396 रनों का विशाल ट्रायल स्कोर दिया था। इस पारी में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 209 रन ठोक दिए थे। इसके बाद इंग्लैंड की टीम केवल 253 रनों पर बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत ऑल आउट हो गई। फिर टीम इंडिया ने दूसरी पारी 255 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 399 रनों का विशाल टारगेट रखा। इस पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने 104 रन बनाए थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 14 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 67 रन बना लिए थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले तो भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, अपना विकेट गंवाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा हैरान और परेशान होकर गेंद फेंकने के लिए अक्षर पटेल को गेंद थमाते हैं। तब उन्होंने इस ओवर की 5वीं गेंद पर पहले रिहान अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर विकेट का खाता खोला, और फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने मास्टर प्लान बनाकर अश्विन से गेंदबाजी कराते हुए 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर पहले ऑली पॉप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो केवल 23 रन बनाकर पवेलियन गए। उसके बाद अश्विन ने रोकने का नाम ही नहीं लिया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन ने जो रूट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रूट केवल 16 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज बहुत जल्दी पवेलियन
चैंपियन जा चुके थे, लेकिन जैक क्राउली मैदान में टिके हुए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबसे अधिक भरोसा जताकर गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थमाई और उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए क्राउली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड टीम की कमर ही तोड़ दी। जैक क्राउली 73 रन बनाकर पवेलियन चले गए तो फिर भारतीय गेंदबाज रुकने का नाम नहीं लिए। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी कर जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाती चली गई और भारतीय टीम ने एक के बाद एक कई विकेट निकालकर इस मैच को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की जीत को देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था।